हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नाम तो सुना ही होगा आपने, और अगर नहीं सुना है तो इस बार सब्सक्राइब कर लेंगे। देखते लर्न झारखंड, कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर जेपीएससी जेएसएससी फॉर झारखंड जीके। जेपीएससी जेएसएससी में जो झारखंड जीके पूछी जाती है, उस झारखंड जीके का कंप्लीट सॉल्यूशन तोड़ आपको इकलौता चैनल यूट्यूब का, जहाँ पे झारखंड को इतना डीप से पढ़ाया जा रहा है, लर्न झारखंड। दोस्तों, हमने देखा था पिछली लास्ट क्लास में नागवंशी जो राजवंश चल रहा था छोटा नागपुर का, उसमें जो था राजा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, लोग पढ़े थे दुर्जन शाह के बारे में। दुर्जन शाह के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, दुर्जन शाह किस राजा के समकालीन थे? दुर्जन शाह जो थे, समकालीन जो थे राजा के समकालीन थे दोस्तों, जहांगीर के समकालीन थे। और ये वही दुर्जन शाह है जो हीरा का पारखी था। कौन था? हीरा का पारखी था। और यही दुर्जन शाह है जिसने 6,000 रुपया वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। किसको? जहांगीर को। और ये वही मुगल शासक है जिसको जहांगीर बंदी बना लिया था। किस लिए? क्योंकि मुगल ने कहा था हमारी अधीनता को स्वीकार कर लो, लेकिन ये स्वीकार नहीं किया था। तो मुगल शासक जहांगीर जो है उसको क्या किया? उठवा लिया, है ना। बाद में इसे छोड़ देता है इस खुशी से, क्योंकि हीरा का जो ये पारखी होता है ना, इसके दरबार में डिस्प्यूट हो जाता है असली हीरा नकली हीरा को लेकर के। तो ये फिर इसको उस डिस्प्यूट को सॉल्व कर देता है, तो खुशी खुशी इसको छोड़ देता है ना जहांगीर। और उसके बाद ये क्या करता है? अपनी राजधानी को मुगलों से दूर कहां पे देता है बना? दोईसा में देता है बना। कहां पे? दोईसा में देता है बना। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद यहां पर नवरत्न नामक गढ़, नवरत्न गढ़ नाम का एक महल है, उसको बनाता है। और यहां से यह क्या देता था? झरोखा दर्शन देता था मुगलों की भांति। तो हम लोगों ने यहां तक देखा था। आज हम लोग दुर्जन शाह से आगे चलेंगे, ठीक है, और हम लोग देखेंगे रघुनाथ शाह वगैरह के बारे में। इस स्लॉट को थोड़ा सा काट करते हैं। दोस्तों, रघुनाथ शाह के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, बस इसमें यही देखना है रघुनाथ शाह से पहले जो है। तो देखिए, दुर्जन शाह के बाद जो राजा जो भी आ रहे हैं ना, उनका कौन आगे पीछे है इसका कोई क्रम निश्चित नहीं है। किसी किताब में देखेंगे दुर्जन शाह के बाद में, मैं आपको बता रहा हूं, किसी बुक में कुछ और क्रम दिया हुआ है आगे पीछे करके, किसी बुक में कुछ और क्रम दिया हुआ है। एक्चुअल क्या है कुछ पता ही नहीं है। जो राइटर जो लेखक है उन्हें भी सही से नहीं पता है कि एक्चुअल में सीरियल राजा का क्या है, आगे पीछे कौन है। चूंकि इतिहास का उस समय को झारखंड को लेकर के कोई पक्का कोई स्रोत नहीं था ना, इसीलिए है ना मेमोरी बेस्ड या एक प्रोबेबिलिटी के बेस पर या किसी चीजों को बेस्ड बना करके जो है ये तैयार किया गया है। तो कहीं रघुनाथ शाह है ना, तो कहीं इसकी जगह राम शाह है ना। तो देख लेते हैं, हमें कंटेंट से मतलब है। ये नहीं पूछेगा कि कौन राजा पहले कौन राजा बाद, कंटेंट पूछेगा। कंटेंट हम लोग देते हैं, राम शाह। इससे यह पूछता है कि राम शाह किस राजा के समकालीन था? राम शाह किसके समकालीन था? तो बस ध्यान देंगे, राम शाह जो है मुगल शासक बहादुर शाह के समकालीन था।
बहादुर शाह के समकालीन था। और इसमें कुछ डाटा है ही नहीं, बस यही महत्वपूर्ण है, पूछ देगा कि कौन सा मुगल शासक बहादुर शाह के समकालीन था, है ना। बहादुर शाह कौन, बहादुर शाह प्रथम, ये जो बहादुर शाह है, बहादुर शाह सेकंड है, बहादुर शाह प्रथम इसके समकालीन था। तो राम शाह के बारे में ये हो गया। आगे है दूसरा राजा देखेंगे, इस राम शाह के बाद वो है दोस्तों आगे इनी शाह, देखते हैं इनी शाह क्या करवाता है। इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, इसने है कि 1691 में इसने क्या किया था, रांची में फेमस, बहुत इंपॉर्टेंट है, रांची में फेमस जगन्नाथ मंदिर, पुरी की भांति, उड़ीसा के पुरी की भांति, उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर के भांति रांची में भी, उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर के भांति, मतलब इसी तरह, भांति मतलब इसी तरह है ना, उसी के भांति रांची में भी जगन्नाथ मंदिर का स्थापना करवाया, जगन्नाथ मंदिर का स्थापना करवाया, सेम टू सेम प्रभावित होगा उससे, इसीलिए वैसा सेम टू सेम मंदिर का स्थापना कहां करवाया, जगन्नाथ मंदिर, फेमस मंदिर है रांची का, है ना। एक जगन्नाथ मंदिर तो उड़ीसा में है ही, और दूसरा जगन्नाथ मंदिर कहां है, रांची में है, ठीक है। तो ये हुआ एक पॉइंट। इसमें सेकंड पॉइंट है दोस्तों, इसने स्वर्ण रेखा नदी के नजदीक, स्वर्ण रेखा नदी के नजदीक सतरंजी में अपनी राजधानी बनाई, सतरंजी कहां बनाई, सतरंजी में अपनी राजधानी बनाई, सतरंजी में इनी शाह। तो बस दो डाटा है इसको लेकर के, कि जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाता है पहला, और दूसरा स्वर्ण रेखा नदी के नजदीक जो है शतरंजी में अपनी नया राजधानी को बनाता